अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। मैंने कहा आज ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने यकीन करें ये वाकई बहुत मज़े की बनी थी। ये मैंने बनाई है क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में आपको पता है बच्चों को नसला जुकाम खांसी गला खराब जो है ना वो चलता रहता है। तो इस तरह की आप गोल गोल कैंडीज बना के बच्चों को भी दें और खुद भी खाएं। और यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारे लोग जो है इसको वो चीनी में बनाना ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन मैंने इसको बनाया गुड़ में, ठीक है, शक्कर में। आप भी शक्कर में बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी रेमेडी की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास ये है गुड़, क्योंकि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये अदरक का इतना सा टुकड़ा है, एक लीमू आप ले लें और तीन आप ले लें क्लोव्स के जगह ले लें। अगर चीनी आप इसमें ना ऐड करें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें जो है ना मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना इसमें गुड़ का या शक्कर का जो है ना आप इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि चीनी आपको पता है वैसे भी नुकसानदेह होती है। और बेटर ये है कि ये रेमेडी जो है ना गुड़ के साथ ही बनाएं, ठीक है। तो आपको पता है आजकल वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं, नज़ला जुकाम और खांसी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप ये ट्राई करेंगे इसे बनाएंगे, और ये तो इसकी मेन चीज़ें हैं ना, लेकिन जब आगे मैं चीज़ें डालूंगी ना इसमें तो फिर मैं आपको बताऊँगी। जी, तो यहाँ पे हमने लेमन ले लिया और थ्री क्लोव्स ले लिया और इतना सा हमने जो है ना वो दालचीनी का टुकड़ा ले लिया। ये आपके इट्स अप टू यू कि आप इसको डालें या ना डालें, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको जिंजर का पीस दिखाया था, वो पीस को मैंने अच्छे तरीके से कूट के अच्छे तरीके से पीस के उसका मैंने पेस्ट निकाल लिया, पानी निकाल लिया, जिंजर का रस निकाल लिया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे शक्कर, मतलब यानी कि गुड़। यहाँ पे गुड़ ऐड करेंगे, चीनी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम काली मिर्च का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि इसमें डालने के लिए काली मिर्च आप पे डिपेंड है आप डालें या ना डालें। और इसमें हम थोड़ी सी जो है हल्दी भी ऐड करेंगे, ठीक है, हाफ टी स्पून, हाफ से भी हाफ टी स्पून जो है इसमें हल्दी का भी ऐड करेंगे। जितनी हम काली मिर्च ऐड करेंगे उतनी जो है हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे पानी रख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और इस कप में हम 3 क्लोव्स डाल देंगे, ठीक है। 3 क्लोव्स हमने डाल दी, उसके बाद इतना सा पीस हमने डाल दिया दालचीनी का, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना ये हमने जिंजर का जो पानी निकाला है मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया था, पीस के उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के जो है ना अदरक का मैंने पानी निकाल लिया और ये जो है ना इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इस पानी में हम ऐड कर देंगे। और उसके अलावा ये वाला जो लेमन है इस लेमन को भी हम कट करके हाफ लेमन, हमने फुल लेमन यूज नहीं करना, हाफ जो लेमन है हम इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपने ये कोशिश करनी है कि इसके जो बीज है ना आपने निकाल लेने हैं, बीज इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। और ये वाला हाफ लेमन जो है ना आपने इसके अंदर स्क्वीज कर लेना है। या बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इतनी अच्छी होम रेमेडी है खांसी के लिए, जैसे क्योंकि आजकल जैसा मौसम चल रहा है बहुत सर्दी चल रही है, तो सर्दी के मौसम में ये सब चीजें मतलब कि हों तो बेस्ट है अगर आप घर पर बना रहे हैं। अब ये हमारे पास ब्राउन शुगर है और ब्राउन शुगर इसमें आपने अपनी मर्जी से ऐड कर देनी है। आप इसमें 1 और 2 इतने टेबलस्पून आप ऐड कर दें। आपने इसको पकाना है अच्छे तरीके से। अगर आपके पास शहद है आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ आपने कितनी ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस इतनी सी इनफ है, ठीक है। इतनी सी ब्लैक पेपर आप इसमें डाल दें और ब्लैक पेपर के बाद जो है ना इतना सा ही हम जो है ना इसमें थोड़ी सी बिल्कुल हम हल्दी ऐड कर देंगे, ठीक है। इतनी सी हल्दी है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपने हल्दी भी ऐड कर देनी है और फिर आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। आपने इसको इतना पकाना है कि जो है ना ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है, जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी बनानी है छोटी छोटी कैंडीज जो बच्चे भी जो है ना आसानी के साथ खा सके। और उसके बाद हम इसको शुगर लेंगे, शुगर को अच्छे तरीके से उसका हम पाउडर बना लेंगे, उसमें कोट करके तो फिर हम इसको रख सकते हैं। चलिए हम इसके गाढ़े होने का वेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी इसका पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाएगा। जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा ना उसके बाद आपने इसको उतार के इसको कैंडीज के आपने शेप दे देनी है। उसके बाद आपने शुगर लेके शुगर को आपने अच्छे तरीके से शुगर का पाउडर बना के इन सारी कैंडीज को आपने शुगर के पाउडर में कोट करना है। शुगर के पाउडर में इसको कोट करना जाना वो जरूरी है, क्योंकि इससे जाना वो चिपकेंगी नहीं। ये इतना सा जाना हम काला नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काला नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया, अब हम इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि गाढ़ा होकर फिर हम इसकी इसको जो है कैंडीज की शेप देंगे, ठीक है। जी, यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया और एक ट्रे में मैंने एक पेपर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो दूसरा पेपर नहीं था जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं जो बेकिंग पेपर होता है, ठीक है, वो मेरे पास नहीं था। तो मेरे पास ये एक मैंने कॉपी का सफ़ा ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना मैंने शुगर का पाउडर बना के ना वो मैंने ऊपर सारा स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब हम इस पर कैंडीज वो डालेंगे ना, जब मैं उसकी छोटी छोटी गोल सी कैंडीज बनाऊंगी तो वो ये होगा कि कागज़ के साथ चिपकेंगी नहीं, ठीक है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा प्रोसेस जो है ना कहाँ तक पहुँचा है। गुड़ जो है ना मैंने और डाल दिया था, समझ लें, क्योंकि आपको इसको जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। अभी भी देखें बहुत ज़्यादा पतला है, पानी तकरीबन खुश्क हो गया, लेकिन जो है ना ये भी गाढ़ा, ये भी शुगर जो है ना वो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन गुड़ जो है इतनी जल्दी नहीं होता। ये देखिए अभी भी इसका पानी है, हमें इसमें जो है ना और गुड़ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हम शक्कर ऐड करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। ये देखें तकरीबन जो है ना गाढ़ा हो रहा है,
क्योंकि इसमें जो है ना मैंने स्टार्ट में 2 टेबल स्पून मैंने गुड़ के डाले थे, मतलब शक्कर के डाले थे, और शक्कर जो है ना बहुत कम लग रही थी क्योंकि शक्कर आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतना जो है ना इसका गाढ़ा पेस्ट बनेगा। आप समझे इसमें मैंने 5 to 6 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें शक्कर के डाले हैं, तो उसके बाद देखें जिसका जो है ना पेस्ट वो गाढ़ा होना शुरू हुआ है। तो आप भी इतना डालिएगा, अपने बनाने जैगरी का बनाएं, और अगर आपके पास शक्कर पड़ी हुई है तो आप शक्कर की भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो बस अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे कि हम जो है ना इसकी कैंडीज जो है ना आसानी के साथ बना सकें। ठीक है जी, बस यहाँ पे अब बंद आ गया है हमारा, फ्लेम को बंद करने का टाइम आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे अपन फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम जो है ना वो शिफ्ट करते हैं, अब जो है ना हम इसकी कैंडीज बनाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो क्लोव्स हैं और जो दालचीनी है ना, ये दालचीनी इसको साइड पे कर दें। ठीक है, और इसकी जो है ना बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ इतनी मज़े की कैंडीज बनेगी, आपको पता है कैंडीज तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी से आपने इसकी कैंडीज बना लेनी है, और ये आप बच्चों को दें, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं कि उनसे आसानी से निकली जाए इसको, वो जो है ना आसानी से खा सके। मैंने शुगर इसलिए नीचे वो इसके की है कि शुगर से जो है ना वो मतलब ठीक रहेगी नीचे जो है ना वो। बस जैसे भी बन रही है इग्नोर करें, खाने तो आपने हैं, शेप तो मैं कैंडी की दे रही हूँ लेकिन वो जो है ना मजीद फैलती जा रही है, वो तो मुझे लगता है दौड़े लगा रही है। तो बस इसी तरह आप जो है ना इसकी सारी कैंडीज बना लेंगे छोटी छोटी सी, और इसको फिर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी जार में आप इसको रख लें, लेकिन ये कि ऐसा जार होना चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन लाजमी हो, क्योंकि इसको हम बंद करके रखेंगे, इसको हम खुला नहीं रख सकते क्योंकि ये मीठा है, इसमें किसी भी टाइम पे जाना वो कीड़ियाँ जाना अटैक कर सकती हैं। चलें हम ये सारा इसमें मैं निकालती हूँ। ठीक है, निकालने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने वो रेडी कर ली है बना के, इसकी शेप्स को प्लीज़ आप इग्नोर करें। अभी हम इसका ठंडे होने का वेट करते हैं, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको फिर हम इसके बाद फिर पाउडर शुगर का हम एक दफ़ा कोट करेंगे इसको पाउडर शुगर से, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम इसके ऊपर पाउडर शुगर का कोट करेंगे क्योंकि ये जो है ना जब हम इसको निकालेंगे उतारेंगे तो ये जो है ना वो चिपकेंगे नहीं। मुझे पता है कि शुगर शनारा पीछे होने, शनारा जो है ना फुल मामा का साथ देती है हर चीज़ में जो है ना स्नैट्री मारनी होती है। तो पाउडर शुगर से अब हम इसको जो है ना वो सारा कोट कर देंगे ताकि जब हम इसको निकालें तो ये बिल्कुल भी चिपके ना, और आसानी से जो है ना ये उतर जाए। अभी ये थोड़ी देर तक जो है ना बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, तो ये आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वाली कफ एंड कोल्ड की जो हमने ये टेबलेट्स बनाई हैं और फ्लू के लिए, आपको उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम आपके लिए लेके आते रहें। जी, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से शेप दे दी है, इनको देखें आप, ये बिल्कुल शेप में आ गया, आपको बाकी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कैंडीज़ हैं। ये बहुत ज़बरदस्त हैं गला ख़राब के लिए, खांसी के लिए, और जो है ना नज़ला जुकाम अगर आपको हो तो आप ये लाजमी इस्तेमाल करें। तो मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था इस बाउल में, मैंने इस बाउल में शिफ्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये बनाएं और ये बनाकर सबको घर में दें, और बल्कि बना के रखें बच्चों के लिए भी बना के रखें। तो चलिए ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा।